आर्थिक शुभकामनाएं देते हुए हमें आनंद हो रहा है और आने वाले नए साल में हम सभी भक्तों को ये संदेश देना चाहते हैं कि आप पटाखे मत फोड़ें, उससे जो पॉल्यूशन होता है उससे लोगों को तकलीफ होती है। इसकी जगह आप अपने घर में दीपक जलाएं और आप गरीब की वहाँ पर सेवा करें, वो सेवा ही आपका सत्कर्म है और आगे सब आप भक्तों की सेवा करें। जी, हमारा ठाकुर जो 5 साल से हमारा ट्रस्ट चल रहा है, इसकी सत्संग सेवा समिति एजुकेशन चैरिटेबल ट्रस्ट, जो ट्रस्ट हमारा है वो हम गरीब बच्चों के एजुकेशन के लिए उस ट्रस्ट से काम करते हैं और गरीब बच्चों को पढ़ाई है, गरीब कन्याओं की शादी है, एक भी रुपया लिए बिना हम गरीब कन्याओं की शादी करवाते हैं। और अभी जो आने वाली 23 नवंबर से श्रीमद की भागवत कथा का जो आयोजन है उसमें हम लोग ठाकुर विलेज के अंदर इतने सालों में प्रथम बार इतने बड़े भव्य पैमाने में श्रीमद देवी भागवत कथा का आयोजन है, उसमें कम से कम नहीं तो 2000-3000 महिलाएँ कलश यात्रा में लाभ लेती है। जैसा आप देखने जाओगे तो हर एक भागवत कथा होती है उसमें कलश यात्रा होती है। इस बार हम लोग नया रूप दे रहे हैं कि जितनी महिलाएँ आएगी उनको हम तुलसी देंगे और तुलसी सर पे लेंगे, तुलसी माता की तुलसी यात्रा निकालेंगे और वहाँ पर छोटी छोटी कन्याओं का एवरी डे रोज नहीं तो 31 कन्याओं का वहाँ पर पूजन होगा। और उसमें हमारा जब देवी भागवत का प्राकट्योत्सव माता जी का जन्मदिन होता है उस दिन 1 साल के अंदर की 9 कन्याओं का सामूहिक प्राकट्योत्सव मनाया।